ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम tradingfab.in। आज 6 मई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:16 हो रहा है। तीसरा ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। कल हमने देखा कि निफ्टी ने एक रिकवरी दिखाने की कोशिश की, हालांकि लास्ट कुछ आवर्स बचे थे उसमें जितनी भी बढ़त बनाई थी वो पूरी की पूरी उसने खो दी और निगेटिव मार्केट बंद हुआ। तो सीधे तौर पर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर फिर से एक बार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यूएस में देखे तो कल वहां पर जो लॉकडाउन सिचुएशन था उसमें कुछ राहत दी गई है, कुछ रीओपन कर दिए गए हैं इकोनॉमी के लिए। अभी जो पैंडेमिक है इसका असर अभी लगभग थोड़ा सा कम होते हुए नजर आ रहा है, लेकिन जो खतरा है वो अभी भी टला नहीं है। और इसके बावजूद अभी ये जो नेचुरल क्राइसिस है, अभी फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन ओपन होगा, कोई सभी जो शॉप्स है, इंडस्ट्री है, वो एकदम से सभी चालू नहीं होंगे, धीरे धीरे करके चालू करना पड़ेगा। तो एक हर एक इंडिविजुअल, हर एक कंपनी या फिर इंडस्ट्री, उसका कुछ सेविंग्स होता है, उसके ऊपर ये लोग काफी देर तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। तो जैसे सेविंग्स को बचाना है, आगे तक ये जो वॉर है ये आगे तक चलेगा, तो ऐसे दिनों में सेविंग्स को बचाना भी काफी इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अगर कंपनी अपने एम्प्लॉयज की सैलरी कंटिन्यू नहीं कर पाती है तो उसको कॉस्ट कटिंग करना पड़ेगा, तो उसमें हो सकता है कि कई सारे लोगों के जॉब्स भी चले जाए। तो आने वाला ये जो पीरियड है वो काफी मुश्किल हो सकता है। जितना भी सेविंग्स है आपका उसको अच्छी तरह से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये जो टफ टाइम है इसके बाद फाइनेंशियल क्राइसिस भी हमें दिखाई दे सकते हैं। तो इसके मद्देनजर यहाँ पर अभी प्रेशर फिर से एक बार मार्केट में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, लेकिन उससे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करेंगे। ये कल का पिक्चर है, यानी 5 मई आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9518 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 9262। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है निफ्टी इंडेक्स, कल काफी समय एक इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही थी काफी देर तक। तो लास्ट के जब 2 आवर्स बचे थे उसमें ये फिर से एक बार प्रेशर यहाँ पर हावी होते हुए दिखाई दिया, और जैसे ब्रेकडाउन लेवल यहाँ पर ब्रेक हुआ तो हमारा फर्स्ट टारगेट 9000222 और सेकेंड टारगेट 9196 ये दोनों भी यहाँ पर अचीव हुए। एग्जैक्ट इसी लेवल के पास इसने सपोर्ट भी टेस्ट किया और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इसी लेवल के पास एक क्लोज भी मिला। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 38 पॉइंट्स का ट्रेड करने का यहाँ पर मौका था, और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 28,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल अमेरिकी बाजार भी देखे तो वहां पर रीओपन कर दिया है कुछ कुछ जगह पे, तो वहां पर पॉजिटिवनेस दिखाई दिया उनके मार्केट में। नासडेक करीब 98 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो कल हरे निशान में बंद हुए थे। आज जब एशियाई मार्केट ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी हल्की से बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। जापानीज इंडेक्स वहां पर अभी भी छुट्टी चल रही है, तो 3 दिन लगातार छुट्टी है वहां पर। और चाइना मार्केट भी देखे तो अभी इस समय पॉजिटिवनेस के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो हालांकि 41 पॉइंट की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से फिलहाल अभी के लिए मिले जुले संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। यह निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट, अभी यहाँ पर लास्ट 2 डेज एक दो स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक यहाँ पर क्रिएट हुआ है। और ये जो 20 EMA का सपोर्ट की हम बात कर रहे थे, ये जो पिंक लाइन है इसके जस्ट नीचे आके इसने क्लोज दिया है। तो अभी इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, आज इसके नीचे अगर क्लोज मिलता है तो निफ्टी इंडेक्स और भी यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव दिखा सकता है। और अकॉर्डिंग टू
ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हमने ड्रॉ किया है वीकली चार्ट में देखते हैं, ये यहाँ पर ये जो अभी यहाँ से इसने बॉटम लगा के ये एक रिकवरी दिखाया था, इसका टॉप को पकड़ के ये ड्रॉ किया गया। तो यहाँ पर 8980 यानी ऑलमोस्ट 9000 के पास सपोर्ट होगा। ये वीक खत्म होने में अभी 3 दिन बाकी है, ये 2 दिन ही हुए हैं, ये वीकली चार्ट हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है ये 8980 तक अगर ये कल का लो अगर कंफर्टेबली ब्रेक करता है और डेली चार्ट में 20 EMA के नीचे, इस पिंक लाइन के नीचे अगर ये क्लोज होता है तो चांसेस और बढ़ सकते हैं कि ये 9000 को फिर से एक बार टच करे। तो यहाँ पर अभी ये जो प्राइस एक्शन देखे तो ये यहाँ से एक स्ट्रेट फॉल आ गया था, काफी पैनिक सिचुएशन था, और ये फॉल आने के बाद अभी ये मार्केट वीकली चार्ट में स्ट्रेट ऐसे नीचे ऊपर की तरफ ये रिकवरी दिखा रहा है। लेकिन हमेशा मार्केट इस डायरेक्शन में नहीं चलता, मार्केट हमेशा ऐसे अप एंड डाउन्स बना के चलता है। ये अप ट्रेंड के लिए होता है, वैसे ही ये डाउन ट्रेंड के लिए होता है। तो यहाँ पर अभी अगर इसको फिर से ऊपर जाना है तो फिर से एक बार इसे बॉटम्स क्रिएट करने पड़ेंगे, हायर बॉटम्स इस तरह से। तो ये जो रिकवरी के बाद ये जो फॉल है ये हो सकता है करेक्शन है, लेकिन अगर ये 38.2% का भी ये लेवल अगर ब्रेक करता है तो चांसेस होंगे कि ये फिर से एक बार टूवर्ड साउथ की तरफ हमें ये मूव दिखाए। तो ऐसे वक्त में अगर अपसाइड मूव दिखाना है तो एक कंसोलिडेशन, एक एक्यूमुलेशन जोन यहाँ पर बनना जरूरी है, क्योंकि मार्केट हमेशा स्ट्रेट ऐसे ऊपर नहीं जाता, ये एक कंसोलिडेट होगा इस तरह से और बाद में इस जोन का ये ब्रेकआउट देके आगे बढ़ सकता है। तो यहाँ पर हो सकते हैं कंसोलिडेशन फेज भी देखने को मिले, अगर लोअर हाई लोअर लोज और लोअर हाईज क्रिएट करता है तो फिर से एक बार टूवर्ड्स ये साउथ की तरफ हमें मूव होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये बिल्कुल भी प्राइस एक्शन के ऊपर निर्भर होगा, आने वाला पीरियड जैसे ही यहाँ पर पैटर्न्स बनाएगा उस तरह से हमें ट्रेंड का कंफर्मेशन मिलते रहेगा। तो ये डेली और वीकली चार्ट का सिनारियो है फिलहाल। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, आज के लिए क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इंट्राडे चार्ट्स में 60 मिनट के चार्ट में देखें तो ये मूविंग एवरेजेस, तीनों मूविंग एवरेजेस के नीचे अभी ये यहाँ पर क्लोज हुआ है। तो अगर ये कल के लो के नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर पास्ट में एक सपोर्ट बनाया है, ये यहाँ पर ये देखिए इस लेवल के आसपास, तो इस लेवल को कंफर्टेबली ब्रेक करने दीजिए। ये जो लेवल है यानी 9147 को अगर ये ब्रेक करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा एक क्विकली टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 9113 जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा 9049, ये काफी लंबा टारगेट होगा, ये यहाँ पर 9047 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये ऊपर की तरफ यानी नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है तो ये देखिए ये काफी बड़ा कैंडल बना है, काफी बेयरिश लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक बना है, तो इसको कंफर्टेबली ब्रेक होने दे। ब्रेक होने के बाद अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल को देखें तो R1 का रेजिस्टेंस लेवल है, फिर ये ब्लू लाइन है जहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंटिन्यूस कल 1, 2, 3 बार इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, तो इसको भी कंफर्टेबली ब्रेक होने दीजिए। यानी ये अगर इस लेवल को ब्रेक करता है 9402 तो आप ही यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं इंट्राडे के लिए, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9451, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9497, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।